हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ अंग्रेजी की क्लास। और गाइस, आज की क्लास में हम एक और मॉडल वर्ब को मास्टर करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, जो कि है माइट। तो समझेंगे माइट को कहां कहां यूज करते हैं, किन किन सिचुएशंस में यूज करते हैं, कहां पर यूज कर सकते हैं बट करना नहीं चाहिए, और कहां पर यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो लेसन इंटरेस्टिंग होगा, फन होगा, डिटेल्ड होगा, एंड तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वो घंटा जरूर टर्न करके दबा देना ताकि आगे आ रहे लेसन के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। आई एम एक्साइटेड, आई मेक एज अ टू, लेट्स डू इट। Alright everybody, now let's understand कि किन किन situations में might का use होता है। Situation number one, to talk about the possibility of an event। अगर आपको किसी event की possibility की बात करनी है, but possibility उस situation की, उस event की weak है, तो आप might का use करोगे वो बताने के लिए। ठीक है, examples के साथ इसको बेहतर समझेंगे। John might accept our offer and join the team। John might accept our offer and join the team। John हमारा offer accept कर सकता है और team join कर सकता है। मैं काफ़ी positive नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा uncertain हूँ इसको लेके, मैं कतई positive नहीं हूँ। तो जब आप किसी situation की possibility बताओ और sure नहीं हो, confident नहीं हो, तो आप might का use करोगे। आपके दिमाग में उसके chances बहुत कम है, but फिर भी वो negative नहीं है, थोड़े से चांसेस है, इसलिए माइट का यूज कर रहे हैं। अगर आपको चांसेस बढ़ाने हैं, 50-60% करने हैं, तो आप मे का यूज करोगे कि ये हो सकता है, मतलब अच्छे अच्छे चांसेस हैं इसके होने के। बट अगर आप माइट का यूज करके किसी की पॉसिबिलिटी बताओगे, तो मतलब उसके चांसेस बहुत कम है यार, वो हमारा ऑफर ज्वाइन, मतलब ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है और टीम ज्वाइन कर सकता है, बट पता नहीं यार, मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा, बट पॉसिबिलिटी है। I did not tell the cops anything. Rohan might have done that. यार देखो, मैंने तो पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। आप मेरे से पूछ रहे हो यार, ये पुलिस को किसने बताया, किसने कॉल करा? मैंने कहा यार, मैंने तो नहीं बताया, शायद रोहन ने बताया होगा। रोहन ने शायद, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, बट शायद रोहन ने बताया होगा। तो अगर आपको पास्ट की पॉसिबिलिटी बतानी है कि शायद ये हुआ होगा या इसने ये किया होगा, तो आप माइट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। रोहन माइट हैव डन दैट। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी माइट नॉट कम टू द पार्टी टुनाइट। शायद वो आज पार्टी में ना आए, शायद वो आज पार्टी में ना आए, ये एक पॉसिबिलिटी है, बट पॉसिबिलिटी काफी वीक है। तो आप किसी भी सिचुएशन की पॉसिबिलिटी बता सकते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। तीनों एग्जाम्पल हमने देख लिए। सिचुएशन नंबर टू, To give a suggestion or a piece of advice. अगर आपको suggestion देना है या एक advice देनी है, ठीक है, तो आप might का use कर सकते हैं, और ये common भी है। और यहाँ पर suggestion या advice काफ़ी straight forward नहीं होगी, आप बहुत ज़्यादा politely suggestion या advice देंगे। ठीक है, examples के साथ इसको समझते हैं। पहले example देखिए, You might want to watch this movie. It is one of the best movies I have ever watched. तुम्हें शायद ये मूवी पसंद आएगी, तुम इसे शायद देखना पसंद करोगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अरे ये मूवी देखो, मैं कह रहा हूँ तुम शायद इस मूवी को देखना पसंद करोगे। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव एवर वॉच्ड, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है जो मैंने अभी तक देखी है। तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा यू शुड वॉच दिस मूवी, आपको ये मूवी देखनी चाहिए। मैं बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली, अनस्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रहा हूँ कि शायद ये आपको मूवी पसंद आएगी, मतलब बहुत ज़बरदस्त मूवी है। तो मैं एक सजेशन ही दे रहा हूं, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सजेशन नहीं है। एक और एग्जांपल देखो, ही माइट नॉट वांट टू लीव दिस अपॉर्चुनिटी, मोस्ट पीपल आर डाइंग टू गेट दिस। ही माइट नॉट वांट टू लीव दिस अपॉर्चुनिटी। तो मैं डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए, जबकि मेरा मतलब सेम ही है। मैं कह रहा हूँ ही माइट नॉट वांट टू डू दिस, ही माइट नॉट वांट टू लीव दिस अपॉर्चुनिटी। शायद उसे ये छोड़ना पसंद नहीं आएगा, मतलब उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ज्यादातर लोग मर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल रहा कि यू शुड नॉट लीव दिस अपॉर्चुनिटी, मैं कह रहा हूं यू माइट नॉट वांट टू लीव दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब यू शुड नॉट डू दिस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यू माइट लाइक टू ट्राई दिस ड्रिंक, मोस्ट पीपल लव इट। यू माइट लाइक टू ट्राई दिस ड्रिंक, आपको ये पसंद आएगा शायद, मोस्ट पीपल लव इट, ज्यादातर लोगों को बहुत पसंद आता है ये। You might like to try this drink. तो एक suggestion है, recommendation है, या एक advice, जैसे भी आप इसको देखना चाहें आप देख सकते हो, but मैं यहाँ पर एक suggestion या advice दे रहा हूँ। You might like to try this drink. शायद आपको ये पसंद आएगा।
ठीक है, मोस्ट पीपल लव इट, ज्यादा लोगों को तो बहुत ज्यादा पसंद आता है, ठीक है। तो सजेशन या एडवाइस देने के लिए भी हम माइट का यूज कर सकते हैं, बहुत ही कॉमन है ये। तीसरा यूसेज रिक्वेस्ट, अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आप माइट का यूज कर सकते हो, करना चाहिए नहीं, बहुत 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 ज्यादा फॉर्मल है आज की डेट में, बहुत कम यूज करा जाता है माइट टू मेक अ रिक्वेस्ट और टू टेक परमिशन, तो ना करो तो बेहतर है, फिर भी समझ लो कैसे यूज करना है। माइट आई सिट ऑन योर सीट फॉर सम टाइम, क्या मैं आपकी सीट पर कुछ समय के लिए बैठ जाऊं, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या आपकी परमिशन ले रहा हूँ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग माइट, ये बहुत ज्यादा फॉर्मल हो गया, मतलब बहुत अंत का फॉर्मल हो गया। यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट इट्स बेटर टू यूज कुड और मे, मे आई सिट ऑन योर सीट फॉर सम टाइम और कुड आई सीट सिट ऑन योर सीट फॉर सम टाइम। लेसन्स मे और कुड पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, माइट बी बोरो योर कार फॉर अ डे, क्या मैं आपकी कार एक दिन के लिए बोरो कर लूँ, यूज कर लूँ, अगेन एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मल है। माइट आई इंटरप्ट यू एंड शो यू समथिंग, क्या मैं आपको इंटरप्ट करके कुछ दिखा सकता हूँ, तो आप किसी की परमिशन ले रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, बट बहुत ज्यादा फॉर्मल है, ना यूज करो माइट का, मे या कुड का यूज करो, अगर बहुत ही क्लोज रिलेशन है तो कैन का यूज कर सकते हो। इन पे वीडियोज ऑलरेडी है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। एक बात ध्यान से समझो, अगर आपको परमिशन देनी है, ठीक है, परमिशन देनी है या नहीं देनी है, तो आप माइट का यूज नहीं करोगे, आप कैन या कुड का यूज करोगे, या सिंपली मना कर दोगे यस और नो का यूज करके, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मैक्स कहता है माइट आई यूज योर फोन फॉर अ मोमेंट, क्या मैं आपका फोन एक पल के लिए यूज कर लूं, तो अगर आपको परमिशन देनी है तो आप सिंपली बोलो यस श्योर, क्यों नहीं, यस। अगर मॉडल यूज करना है तो माइट नहीं करोगे, आप ये नहीं कहोगे यस यू माइट, इनकरेक्ट, ये गलत हो जाएगा, आप बोलो यस यू कैन और यस यू कुड, ठीक है। नेक्स्ट यूसेज इनडायरेक्ट स्पीच, माइट का यूज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, मे जो डायरेक्ट स्पीच में होता है वो चेंज कर दिया जाता है माइट में इनडायरेक्ट स्पीच में। एग्जाम्पल के साथ इसको समझो, डायरेक्ट स्पीच देखो, रोहन सैड शी मे बी अपसेट विद यू, रोहन कहता है शी मे बी अपसेट विद यू, दिस इज डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, रोहन सैड दैट शी माइट बी अपसेट विद मी, तो हम मे को चेंज कर देंगे माइट में इनडायरेक्ट स्पीच में। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच, He told me Ria may call you tonight. उसने मुझे बताया था कि रिया आज शाम को तुम्हें कॉल करेगी, ठीक है, रात में कॉल करेगी। Indirect speech, He told me that Ria might call me that night. उसने मुझे बताया था कि रिया शायद आपको उस रात को कॉल करेगी, तो may change हो जाएगा might में indirect speech में, ठीक है। एक और सिचुएशन जहां पर हम यूज करते हैं might का, जो कि है conditional sentences. Conditional sentences में हम might का यूज करते हैं सारे कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स में। एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं, और यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कंडीशन के साथ एक सिचुएशन की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखो, इफ यू स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली दे माइट गिव यू दिस जॉब, अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना आती तो शायद वो आपको ये जॉब दे देते, शायद, शायद पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट शायद दे देते अगर ऐसा होता, बट ऐसा नहीं है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, टाइप टू कंडीशनल सेंटेंस। एक और एग्जाम्पल देखो, इफ माई पेरेंट्स डोंट कम बैक होम टूडे, अगर मेरे पेरेंट्स आज घर नहीं आते वापस, आई माइट ज्वाइन यू टूनाइट, तो शायद मैं आज आपको रात को ज्वाइन कर लूं, शायद ऐसा होने पर शायद ये हो, ठीक है। पहली बात, अगर ऐसा होगा कंडीशन, तो ऐसा हो सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। एक और एग्जाम्पल देखो, If they had increased my package, अगर उनने मेरा पैकेज बढ़ा दिया होता, जो कि नहीं बढ़ाया था पास्ट में, conditional, imaginary, I might have worked there longer, मैं शायद वहां पर लंबे समय तक काम करता, शायद, possibility, करता कि नहीं वो तो कोई नहीं बता सकता, बट शायद मैं लंबे समय तक काम करता, अगर ऐसा हुआ होता, पास्ट में ऐसा हुआ होता तो, बट ऐसा नहीं हुआ, इसके अपोजिट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं माइट को, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है,
माइट का हम जनरली यूज करते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए या सजेशन देने के लिए. ये सबसे ज्यादा कॉमन यूसेज है माइट का. बाकी बाकी सिचुएशंस में, बाकी सिचुएशंस ही बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन जहां भी आपको जरूरत पड़े तो यूज करिए. आई होप कि लेसन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, फन लगा. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, आप वो घंटा जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, आपको लेसन्स ढूंढने ना पड़े. और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, कीप लर्निंग, हैव फन. I'm out, namaskar.